कम्युनिटी काफी टाइम से फीकी चल रही थी, तो नियो ने सोचा क्यों ना इस पर मसाला छड़का जाए। अब देखो, तुम में से वो बंदे जो नियो को नहीं जानते कैसे कर लेते हो इन मुद्दों को इग्नोर गेमिंग कम्युनिटी में रहने के बाद भी। देखो, इससे पहले कि मैं नियो के बारे में तुम्हें बताऊं, तुमसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस ट्वीट को रिट्वीट कर दो अगर तुम ट्विटर पर हो तो। बाकी नियो की तारीफ में मैं बस इतना ही कहूंगा कि इंसान तीन तरह के होते हैं, अच्छा इंसान, बुरा इंसान और गिरा हुआ इंसान। और फिर आता है नियो। नियो कोविड से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोविड का तो इलाज बन गया ना भाई। अगर मैं यहाँ पर नियो का पास्ट बोल दूं ना तो तुम सवाल उठा दोगे कि ये बंदा बिना दिमाग के जी कैसे रहा है। नियो वो कुत्ते की दूम है जिसे तुम कितना भी बोतल में डाल के रखो ये कभी सीधी नहीं होगी। अगर तुम अभी तक नहीं बता कि पूरा का पूरा इंटरनेट नियो के पीछे क्यों पड़ा है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। देखो, थोड़े टाइम पहले नियो लाइव स्ट्रीम कर रहा था ओमेगल जैसी किसी वेबसाइट के ऊपर जहां पर इसे एक माइनर मिलती है और वो बंदी इसके ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास कर देती है। अब ये बंदा उसे इग्नोर करने के बजाय, स्किप मारने के बजाय गाली देने लग जाता है और ये बंदा उसे गाली देने तक ही नहीं रुकता, उसे ये इतना गंदा अब्यूज करता है ना भाई कि अगर वो क्लिप इसके पेरेंट्स को शेयर कर दो ना तो वो भी बोल दे कि ये हमारी औलाद है ही नहीं। सारा कांड कर लेने के बाद बंदा माफी मांगता है AI से लिखवा कर। भाई मेरा बस नहीं चलता और ना मैं इसके पीछे रजत दलाल छोड़ दूं। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस बंदे ने किसी लड़की को अब्यूज करा हो लाइव स्ट्रीम पर आकर। इसका पूरा करियर ऐसे ही बना है। मुझे तो कभी कभी फील होता है कि इसके आधे से ज्यादा फॉलोवर इसे फॉलो इसलिए करते हैं कि ये तो कब दूसरी कंट्रोवर्सी करेगा। अपने आप को इनोसेंट बताने वाले आदमी एक लड़की के मुंह से कालिया नहीं सुन सकते लेकिन दूसरी लड़की को मोमोज बोल देते हैं। भाई मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि गेमिंग कम्युनिटी में इससे बड़ा फेक बंदा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और भाई इस बंदे को सपोर्ट करने वाले लोग, भाई इन्हें मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारे लिए बस मैं सिंपैथी दिखा सकता हूँ। और आई नो कि तुम्हारा करियर नियो की तरह ही है डार्क। हाँ हाँ, लिख लो कमेंट में कि भाई तू भी तो रेसिस्ट है। हाँ हूँ मैं रेसिस्ट, लेकिन थैंक गॉड के मैं इतना नहीं हूँ। भाई इसको तो कुछ है ही नहीं। हेलो, भाई तो कुछ था ही नहीं, रोड था सीधा, रोड सीधा, रोड था सीधा, रोड सीधा, रोड था सीधा, रोड। ये बकचोद आदमी हर दूसरे तीसरे महीने आकर किसी भी लड़की को बुली या अब्यूज कर कर चले जाता है और उसके बाद भी इसके कुछ अंधे फैंस हैं जो इसको डिफेंड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल सी एडवाइस है कि जितनी तुम अपने फेवरेट क्रिएटर की चार्ट लो, अगर उसका आधा एफर्ट लगाकर भी तुमने अपने बाप की चार्ट लेना तो वो तुम्हें सर्वर बिठा के रख लेगा। नियो मुंबई में रहता है और मुंबई में किसी के पास पोर्शा नहीं है क्या? वैसे नियो, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो तुझ तक या तेरी ऑडियंस तक पहुंच भी गई तो उन्हें इसमें कुछ भी समझ में आएगा क्योंकि ये वीडियो तुझसे ज्यादा डार्क है। देखो, वैसे तो नॉर्मली ई-स्पोर्ट कम्युनिटी में चल रही फड्डों से मैं दूर ही रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है ई-स्पोर्ट कम्युनिटी एक गटर है और मैं वहाँ हाथ डालना पसंद नहीं करता। लेकिन इस गटर में इस तरह की बीमारी जब बाहर निकलती है तो सफाई करना जरूरी हो जाता है। और वो लोग जो इस बंदे को देखते हैं, मैं बस उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि इतनी कितनी बुरी जिंदगी चल रही है कि तुम्हें इसे देखना पड़ रहा है। कल मैंने इसकी फोटो अपने गली के कुत्तों को दिखाई थी, अभी तक भौंक रहे हैं। इतना ही नहीं, नियो के पैदा होने पर तो डॉक्टर ने भी कहा था मुबारक हो, गलती हुई है। तो हेलो भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसे हम नियो बोलते हैं। नियो वो बीमारी जो हर दो तीन महीने बाद वापस आ जाती है। नियो वो बंदा है जो अगर सुसाइड करने को पानी में छलांग लगा दे तो पानी भी अपनी जगह से हट जाए क्योंकि इतनी गंदी चीज को तो वो भी अपने अंदर नहीं रख सकता। पर पता नहीं, नियो ये उतना ही गंदा जोक था जितना तो उस लड़की को ऊपर मार रहा था। नियो, अगली बार जब तू किसी और की माँ के ऊपर जाए तो बस इतना याद रखियो कि तेरे पास भी एक है। मुझे याद है कि एक दिन लाइव स्ट्रीम पर बैठकर इसने पायल गेमिंग के खिलाफ भी काफी सारी उल्टी सीधी बातें करी थी कि वो अच्छा दिखती है, इसके लिए उसको इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है वगैरह वगैरह। और उस बंदी के लिए इस तरह की बातें करने वाला ये इकलौता बंदा बिल्कुल भी नहीं है, आई नो। और जितने भी लोग हैं ना जो इस तरह की बातें करते हैं पायल गेमिंग के लिए, पहली चीज, अगर वो अच्छी दिखती है तो इसमें उसकी गलती नहीं है और लोग उसके अच्छा दिखने की वजह से उसे देख रहे हैं तो इसमें उसका क्या लेना देना। दूसरी चीज, अगर तुम पायल गेमिंग का चैनल जरा सा भी एनालाइज करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस बंदी ने बहुत मेहनत करी है। लाइक रेगुलर लाइव स्ट्रीम करती है और 8-8, 10-10 घंटे की कई बार लाइव स्ट्रीम करती है वो। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैंने जब पायल गेमिंग का चैनल जाकर एनालाइज किया और देखा ना भाई, मैं खुद चौंक गया था कि बंदी कितनी ज्यादा एक्टिव रहती है अपने चैनल पर। अभी चलो माना कि इसका काफी बड़ा नाम हो चुका है और एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन चुकी है, लेकिन अभी से 3-4 साल पहले अगर तुम इसके चैनल को जाकर देखोगे, इसकी वीडियोस को देखोगे ना, तो तुम्हें ये चीज
चीज़ नोटिस होगी कि ये बंदी हर दूसरे दिन लाइव स्ट्रीम पर बैठी होती थी, 6 से 7 घंटे की इसकी लाइव स्ट्रीम्स होती थी। इसके अलावा उस लाइव स्ट्रीम के हाईलाइट मिल जाते थे लाइव स्ट्रीम्स के अपलोड होने के थोड़े टाइम बाद ही, इतना ही नहीं शॉर्ट्स भी रेगुलर आते रहते थे। तो भाई कंसिस्टेंसी के मामले में इसने थगेश को पीछे छोड़ रखा है। अब मुझे पता है कि तुम में से कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे अरे भाई तू तो पायल की चाट रहा है, पर देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके चाटना नहीं चाहता, बात यह है कि वो चाटने देगी नहीं। बड़ा गंदा आदमी हूँ मैं, सॉरी भाई, कोई बेगम के बाजू वाला सेल खाली करवाओ, मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते बस नर्म निवेदन है कि इन बच्चों के लिए प्लीज प्रेयर करना, जहाँ भी करते हो तुम, मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी दुआ करते हो, बस दुआ करो कि ऊपर वाला इनके भविष्य को उज्जवल बनाए। बाकी नियो के लिए बस इतना ही कि इसके लिए कोई दिमाग ऑर्डर करो, जरूरी नहीं इंसान का हो, गधे का भी चलेगा। बाकी मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर तुम ट्विटर पर हो तो प्लीज इसे रीट्वीट जरूर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस बटन को अपनी वाली समझ के दबा दो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, सहयोग नारा।